तो फाइनली गाइस आज फिर से बात करने वाले हैं विटिलिगो टॉपिक पे। और आज 4 महीने बीत जाने के बाद क्या सिचुएशन है जो मेरे विटिलिगो हुआ था, और ऑलरेडी काफ़ी वीडियो काफ़ी अपडेट आ चुके हैं, उनमें अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था किस तरीके से दवाई का सेवन करना है और मैंने किन दवाई का सेवन किया जिससे विटिलिगो अब ठीक होने में है। लेकिन गाइज फाइनली आज जब 4 महीने आज कंप्लीट हो चुके हैं तो एक नया बड़ा अपडेट आपको दे रहा हूँ। जो आप देख रहे हैं ये फिंगर पे, पूरा फिंगर वाइट हो चुका था, ये पिछले वीडियो में आप देख रहे हैं, और लिप और यहाँ से नीचे की स्किन जो वाइट हो चुकी थी ये कम्प्लीटली अभी ठीक हो चुकी है गाइज। लिप पे भी आप देख रहे हैं हल्का सा एक डॉट यहाँ पर रहा है, बाकी फिंगर के ऊपर अभी 2 डॉट और हैं। तो गाइज फिर से मैं डॉक्टर से मिला था तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था, क्योंकि ये अभी इस जगह आके रुक गया गाइज, और ये जो आप देख रहे हैं फिंगर के ऊपर हल्के हल्के 2 डॉट दूर से, बाकी पूरी फिंगर यहाँ से यहाँ तक पूरी वाइट थी, और काफ़ी कम खर्च में और सस्ते इलाज में ठीक हो गया है। ना कोई सर्जरी और ना कोई मेरे को महंगा ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ी है गाइज। तो जो भी विटिलिगो के पेशेंट है वो एक बार चैनल पर जाइए, वो जितने भी हमारी वीडियो हैं विटिलिगो के ऑल वीडियो वॉच कीजिए और स्किप ना करें, अच्छे से वॉच कीजिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि विटिलिगो जो ये सफ़ेद दाग की बीमारी है ये किन नियमों को मैंने फॉलो किया, किस तरह की मेरी दिनचर्या रही, सारे उसमें आपको अपडेट देखने को मिलेंगे, और फिर कैसे मेरा विटिलिगो ठीक हुआ गाइज। तो अभी डॉक्टर ने मेरे को एक नई चीज़ रिकमेंड की थी कि हो सकता है ब्लड के अंदर कोई एलर्जी बन रही है या अशुद्धि है, जो कि डॉक्टर बताते हैं कि जब हम आहार विरुद्ध कोई खान पान कर लेते हैं, यानी कि जिनका कॉम्बिनेशन नहीं है वैसी चीज़ हमने खा ली है, तब ये बीमारी उत्पन्न होती है बॉडी के अंदर। और गाइस दूसरी चीज़ कई जेनेटिक भी रीज़न है, जिनके खानदानी है उनके भी ये बीमारी हो जाती है अक्सरतया। और बाकी नॉर्मली अगर बंदे को ये होती है, अगर किसी के जेनेटिक नहीं है, परिवार में वंशानुगत नहीं है, तो ये बीमारी ठीक भी हो जाती है, लेकिन समय रहते हमें इसका इलाज करवाना होता है गाइस, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और काफ़ी तेज़ी से ही गाइस रिकवरी होती है। लेकिन जो लास्ट का आप देख रहे हैं लिप का, तो आपको दिख रहा है यहाँ जो नीचे की स्किन थी यह सब ठीक हो चुकी है, लिप पे अब हल्का सा है, तो गाइस वो भी अब ठीक हो जाएगा जहाँ तक मेरे को लगता है। तो शुरुआती अवस्था से लेकर ठीक होने तक काफ़ी टाइम ये बीमारी लेती है ठीक होने में गाइस, जिसको मैं समझ रहा था कि ये 1-2 महीने में ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 महीने बाद फिर से मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया अपडेट इसके ऊपर। तो गाइज डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया है वो भी जान लीजिए, वीडियो को स्किप ना करें, देखते रहिए, क्योंकि आपके सामने मैं बैठा हूँ जो कि विटिलिगो के इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ, जिसमें कि कैसे आदमी डिप्रेशन में जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है, और एक वो अपना अंदर से मेंटली भी कमज़ोर हो जाता है और थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो जाता है गाइज, क्योंकि सबको अपना जैसा भी रंग रूप है वो सबको प्यारा होता है, तो गाइज कोई नहीं चाहता कि उसकी जो बॉडी है, स्किन है, उसका चेहरा या उसका फेस ऐसी बीमारी हो जाए कि वो सोशल लाइफ से उसको दूर रहना पड़े। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए गाइज काफ़ी सस्ते में बिल्कुल ये देख लीजिए 0 कॉस्ट ही ओनली आज ये बाकुची ऑयल गाइज, अभी भी आप देख रहे हैं अभी आपके सामने लगाने वाला हूँ, 4 महीने हो गए गाइज अभी तक ये ओनली 100 ml ये है गाइज, 50 ml बाकुची ऑयल है, वो भी अभी आधे से ज़्यादा ऑयल अभी मेरे पास बचा हुआ है। तो ओनली इतने कम और सस्ते के अंदर ये विटिलिगो अब ठीक हो रहा है गाइज। तो डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया है, डॉक्टर ने गाइज रिकमेंड किया है ये शाफी, जो कि किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाती है, और इसको दुनिया में ब्लड प्योरीफायर के नाम से जाना जाता है। ये आप गूगल पर सर्च कीजिए या आप डॉक्टर से मिलिए, इसको ब्लड प्योरीफायर, ये जितनी भी रक्त में अशुद्धियाँ होती है इसको ये निकाल देती है, जिससे कि अगर किसी के कील मुहासे भी अगर स्किन पे हो रहे हैं तो वो भी इससे ठीक हो जाते हैं, और फिर से स्किन पे एक ग्लो आने लगता है, एक नई चमक, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर बीमारी हमारे खून में अशुद्धियाँ होने की वजह से भी हो जाती है, क्योंकि जो भी हम फास्ट फूड वगैरह और ये डेली लाइफ में जितनी भी हम
उल्टी सीधी चीज़ें हम डाइट में ले लेते हैं, और क्योंकि शुद्ध भोजन नहीं करते हैं और हम फास्ट फूड पे ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं गैस, तो एक्चुअली में उनकी वजह से काफ़ी हमें ब्लड में अशुद्धि हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है, काफ़ी अनेक तरह की बीमारियां जन्म लेने लगती है। तो गाइस शाफी भी मैंने स्टार्ट कर दिए और ये भी आधी सीसी ख़त्म हो चुकी है गाइस, और इसके बाद ये जो दोनों डॉट बचे हैं ये काफ़ी टाइम से, एक महीने पहले भी गाइस मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी ये दोनों डॉट थे, और अभी इसको लेने के बाद एक ये थोड़ा जो डॉट है गाइस ये फिंगर पर ये हल्का हो चुका है गाइस। तो आप देख रहे हैं विटिलिगो पेशेंट को जो कि आपके सामने बिल्कुल सच लेके आ रहा हूँ, कोई छुपी बात नहीं है गाइज। और जिनके भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं, और जिन भी बंदों के कुछ प्रॉब्लम हुई है, लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके, पहले भी मैं बार बार बता चुका हूँ डॉक्टर ने गाइज ओनली जो सफ़ेद दाग विटिलिगो से पीड़ित है, जो इसके मरीज है, उनको भी इसका फ़ायदा मिले और वो भी उनका भी अनावश्यक पैसा खर्च नहीं हो और वो भी मेरी तरह फिर से ठीक हो सके, इसीलिए ये वीडियो चैनल पे इतने सारे मैंने बनाए थे और आपके सामने मैं ठीक होके आपके सामने बैठा हूँ भी। तो गाइस इसका पर्पज, इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है गाइस, ओनली आपको सजेस्ट करना है, बाकी आप ये जो दवाई है सारी पतंजलि आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाती है, वहाँ से आप ले सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि कल को कोई मुझे ब्लेम ना कर सके गाइस, क्योंकि स्टार्टिंग वीडियो में भी कोई दूसरा बंदा नहीं है, मैं ही हूँ, और आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ किस तरह से ये तेज़ी से भयानक रूप से विटिलिगो बढ़ा था और अब ये ठीक होने के कगार पे गए। तो शाफी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं 5 ml, ये आपको मैं आपके सामने लेके बता देता हूँ। और इसके लिए गाइस अपने को चाहिए एक 5 ml के लिए, ये देखिए उससे ढक्कन आता है इस पर 7.5 ml और फुल भरने पर 10 ml इसमें हो जाता है, तो लगभग 5 ml इसमें से दवाई लेनी है। और ये दोस्तों खाना खाने के बाद, जितनी भी दवाई ले रहे हैं खाना खाने के बाद, और जिन भी बंदों को कोई, काफ़ी बंदे बोल रहे हैं बाकुची वाले दोस्तों, हर इंसान की स्किन अलग अलग होती है, किसी को सूट नहीं कर रहा है, किसी को जलन होती है, किसी को फुंसी होती है, तो गाइस उसका प्रयोग रोक दें और कुछ दिन नियमित नारियल का तेल है उसकी हल्की मसाज करें उस जगह पे, फिर से फुंसियाँ ठीक हो जाएगी, क्योंकि अगर जलन हो रही है फिर हम इसे कंटिन्यू यूज़ करेंगे बाकुची को तो फिर जलन बढ़ेगी गाइस। फाइनली लास्ट में 4 महीने बाद अभी मेरे भी ये लिप्स पे जलन होने लगी थी, तो मैंने इसको बंद किया है 3 से 4 दिन के लिए, और फिर आज स्टार्ट किया है, एक कल से मैंने फिर इसको स्टार्ट किया हल्का लगाना, तो जलन हो रही थी गाइस ओनली एक टाइम इसको लगाएं आप, और इस तरीके से आपको दवाई लेना है खाना खाने के बाद। तो दोस्तों ये जो शाफी है ये मैंने ले लिया गाइस, और इसके बाद ये तांबे का जो लोटा है दोस्तों बहुत काम की चीज़ है, इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, इसका पानी नियमित पिए, संयम रखें और दिनचर्या को व्यवस्थित बनाएं, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, योग कीजिए। और ये दोस्तों पिगमेंटो, ये भी बीच बीच में चल रही थी, भी ओनली 1 cc लिया गाइस, के लिए मेडिसिन में कुछ भी अलग से परचेज नहीं किया है, बाकुची ऑयल, पिगमेंटो और एक शाफी, ये दोस्तों भी कंटिन्यू मेरे चल रही है क्योंकि डॉक्टर ने सजेस्ट की थी सुबह शाम, और मैं ओनली 1 time ले रहा हूँ, और इसमें आई थी मेरे 40 tablet, तो 40 दिन की ये थी गाइस, और एक डिब्बी पहले ख़त्म हो चुकी गाइस और अभी इसमें बची हुई है। और ये बाद में दोस्तों मैंने बाकुची जो चूर्ण होता है उसके जब बाकुची के मैं बीज लेके आया था और इसको ग्राइंड करके इसमें बनाया था, काफ़ी सस्ते आते हैं, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था गाइस, ये देखिए ग्राइंड करने के बाद, और इसमें से ये खाना खाने के बाद दोस्तों ये इतना सा इसमें से अपने को सेवन करना होता है, 1/4 चम्मच से भी कम अति ना करें, ज़्यादा दवाई के सेवन से एकदम से बीमारी ठीक नहीं होगी गाइस। गाइस बाकुची चूर्ण लेने का सुबह शाम लेना है, और पिगमेंटो भी आप सुबह शाम एक एक टेबलेट ले सकते हैं, ये डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया है, बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए गाइस, सारी आयुर्वेदिक दवाई है, नो साइड इफेक्ट। और ये दोस्तों बाकुची ऑयल, तो जिनके भी जलन हो जाती है तो इसका यूज कम करें, 2 time ना ओनली 1 time ही लगाए,
और ज़्यादा देर मालिश भी ना करें, जैसे आपकी बॉडी सूट करती है उस हिसाब से काम कर ले। और ये कभी जमता नहीं है, ये देखिए आज भी जैसे सरसों के जो तेल होता है उसके कलर में ये होता है। और ये फिंगर पे मैं मालिश कर लेता हूँ गाइज, और वीडियो गाइज थोड़ा लंबा है लेकिन आपकी लाइफ से लंबा नहीं है, क्योंकि अगर बीमारी से ठीक होना है तो 10 से 15 मिनट हमें देने होंगे। और दोस्तों मैं तो ये जो तेल है बाकुची का, इसको स्किन पे इस तरह मसल भी लेता हूँ मैं, और कोई दिक्कत नहीं है गाइज इससे। और तांबे के लोटे का प्रयोग करते रहे गाइज, और आशा करता हूँ कि जो आज की मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। और लास्ट में फिर से जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है इन सब की जानकारी के लिए आप चैनल पर जाइए और सारे वीडियो तसल्ली से देखिए, अगर आपको भी ठीक होना है। और विश्वास कीजिए गाइज, और डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने ले रहा हूँ, 4 महीने से कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और कोई भी पेट वगैरह कहीं भी बॉडी में दर्द वगैरह ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है गाइज। और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए ताकि जल्द से जल्द आप ठीक हो सके गाइज। तो कैसी लगी आज की विटिलिगो टॉपिक पे ये छोटी सी जानकारी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।